फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं आपके सामने एक केस शेयर करना चाहूँगी। दो दिन पहले मेरे पास एक मदर आई थी, उसके 1.5 महीने के बच्चे को लेके। उसके बॉडी में पूरा रेड रेड कलर हो गया था और कुछ जगह पे ब्लिस्टर्स आ चुके थे। तो मैंने उसको पूछा कि इन दिनों में क्या चेंज हुआ, तो उसने बोला कि अभी मैंने उसको मसाज करना स्टार्ट किया है। मैंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा कि कौन से ऑयल से, तो उसने बोला कि सरसों का ऑयल बहुत अच्छा होता है मसाज के लिए। तो मैंने सरसों का ऑयल, जिसे मोहरी का तेल बोलते हैं या सरसों ऑयल बोलते हैं, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको जानना है कि बच्चों के लिए कौन सा ऑयल कब यूज़ करना है और कब स्टार्ट करना है मसाज के लिए, तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। बच्चों के लिए अगर विंटर सीजन है तो नो डाउट सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्म होता है, इसलिए आप विंटर में यूज़ करना चाहिए। सेकेंड जो है, विंटर में तिल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल बला तेल जिसे बोलते हैं, वो भी आप बच्चों के मालिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो है, अगर समर सीज़न है तो आपको बिल्कुल भी सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो गर्म होता है, उससे वो बच्चे को जो हुआ वो हो सकता है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट, डेलिकेट और फ्रेजाइल होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसलिए आपको कोई भी ऑयल या कोई भी कॉस्मेटिक आप यूज़ करें, आपको पूरा ध्यान रखना है कि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। सेकेंड जो है, समर सीजन में आपको सिंपल सा नारियल तेल से मसाज करनी है, या आप नारियल तेल में थोड़ा सा बला तेल मिक्स करके भी मसाज कर सकते हैं। और थर्ड है रेनी सीजन, इसमें 2-in-1 होता है, मतलब दोनों सीजन का थोड़ा बहुत होता है और थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, इसलिए आप उसमें सिंपल सा बला तेल आप यूज़ करो, ताकि वो मेडिसिनल भी है, उसमें मेडिसिनल जो गुण है आयुर्वेदिक वो भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट में बहुत सारे बेबी ऑयल्स मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है, पहले थोड़ा सा लगा के देखना है, ताकि बच्चे को कोई भी स्किन में प्रॉब्लम ना हो, एलर्जी ना हो उस ऑयल की, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। सेकेंड पार्ट जो है कि ऑयल मसाज कब स्टार्ट करनी है न्यूबॉर्न बेबी को। पहले तो 12 दिन तक बच्चे को कुछ भी नहीं करना है। 12 दिन के बाद स्लाइटली आप थोड़ा सा मसाज दे सकते हो। उसके बाद अगर बच्चा 3 महीने का हो जाए, उसके बाद आप 2 टाइम मसाज कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट इवनिंग पे। सुबह जो मसाज करते हो, उसके बाद बच्चे को एक 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सनरेज होता है सुबह का, जो एकदम नॉर्मल सनरेज मॉर्निंग का, उसमें आप बच्चे को रखना है, ताकि उसको विटामिन डी भी मिले और मसाज करने के बाद जो है, अभ्यंग करने के बाद उसको जो स्वेदन बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो भी उसको मिल जाएगा। इससे बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हेल्प, थैंक यू।